हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6-7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। टोटल हमने यहाँ पर 7 राउंड घेरे के लगाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड घेरे के कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाने के बाद यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 1 2 चैन बनाई और सेम प्लेस पर फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और फिर से यहीं पर बनाया दूसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी ये 4 की कली बन गई। अब एक चैन लेंगे और नीचे से देखिए 1 2 3 चैन स्किप करेंगे, फोर्थ चैन में जाएंगे और फिर से हम 1 डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन लेंगे, 1 2 फिर से यहीं पर 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन ली और नीचे से 1 2 3 चैन स्किप की, फोर्थ चैन में फिर से हम 4 की कली बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर से सेम प्लेस पर 2 बार और डबल क्रोशिया, 1 और फिर से बनाया दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और नीचे से 3 हम स्किप करेंगे, 1 2 3 फोर्थ में फिर से 4 की कली बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में यहाँ पर हमने एक चैन बना ली है और नीचे देखिए 2 में हमने 2 स्किप किए हैं और सभी में 3 हमने स्किप किए हैं। यहाँ इनमें 1 2 इसमें भी 2 स्किप किए हैं और इसमें भी और यहाँ पर भी 2 स्किप होंगे। तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अगर कम ज़्यादा हो। अब देखिए थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। एक स्लिप स्टिच हम जहाँ पर हमने 2 चैन बनाई है वहाँ पर करेंगे सेंटर के अंदर। यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 3 चैन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाया, तो यहाँ पर हमारे 1 3 की चैन का हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया बनाया 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे, तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चैन लेंगे, यहाँ पर एक चैन ली और नेक्स्ट जो हमारा ये चैन स्पेस है फिर से हम यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन ली और फिर से यहीं पर 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से बनता जाएगा और सेंटर में यहाँ पर हम एक चैन लेंगे नेक्स्ट में जाने के लिए। और फिर से जो हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई थी वहाँ पर 6 की कली बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से हम थर्ड चैन के अंदर जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। एक स्लिप स्टिच हम नेक्स्ट में करेंगे और यहाँ सेंटर में आएंगे जहाँ पर हमने ये 3 चैन बनाई थी, एक स्लिप स्टिच हमने वहाँ पर किया। अब देखिए 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया, तो टोटल हम यहाँ इसके अंदर 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया,
सात टाइम डबल क्रोशिया, आठ डबल क्रोशिया और फिर से बनाया नौ डबल क्रोशिया। तो देखिए हमने यहाँ पर टोटल नौ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए जो हमने एक चैन बनाई थी उसके अंदर हम जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे और फिर से नेक्स्ट जो हमारा ये चैन स्पेस है उसके अंदर नौ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने नौ बार डबल क्रोशिया बना लिया है और यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट के अंदर नौ बार डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने देखिए सिंगल क्रोशिया बना दिया है और जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ से थर्ड चैन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए यहाँ से फिर से हम ग्रीन कलर का धागा ऐड करेंगे, जहाँ से हमने धागे को कट किया है वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट वाले को हम स्किप करेंगे, सेकंड जो हमारा ये डबल क्रोशिया है नाइन डबल क्रोशिया बनाए थे तो सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धागे को ज्वाइंट किया, एक दो, दो चैन ली और नेक्स्ट के ऊपर हमने जाकर सिंगल क्रोशिया, इस धागे को हम साथ में रखेंगे, सिंगल क्रोशिया बना दिया नेक्स्ट के ऊपर। फिर से दो चैन ली, एक दो, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से एक दो, दो चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए और सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर एक दो, दो चैन ली, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए, सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो, दो चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए, सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से एक दो, दो चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए और सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए लास्ट में हमारा एक स्किप हुआ है इधर और एक हमने यहाँ पर स्किप किया है, एक इधर से हम स्किप करेंगे और एक ये वाला और इधर से फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे। अब देखिए ये बनाने के बाद हम दो चैन लेंगे, एक दो, दो चैन ली और इस तरह से देखिए दो बार लूप लेंगे और जो हमने यहाँ पर ये चैन बनाई थी यहाँ से इस चैन को यहाँ से उठाएंगे। देखिए ऐसे उठाया और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो दो स्टिच निकालेंगे तीन बारी में, इस तरह से, इस तरह से आ गया। फिर से एक दो, दो चैन ली और देखिए इधर से हमने फर्स्ट को स्किप करेंगे, ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसको स्किप करेंगे और सेकंड के ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से आएगा। फिर से दो चैन का स्पेस देना है हर एक के बीच में और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है, एक दो, दो चैन ली, सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो, दो चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए, सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो, दो चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए, सिंगल क्रोशिया, एक दो, दो चैन, उससे नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से दो चैन, नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमारा ये लास्ट वाला बचा है तो देखिए हम यहाँ पर एक दो, दो चैन लेंगे और इसको हम स्किप कर देंगे और दो बार स्टिच लेंगे और जो हमने यहाँ पर ये चैन बनाई थी, ये दो चैन बनाई थी, एक में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया था और एक नीचे वाली चैन को इस तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक डाला, धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और दो दो स्टिच उतारते हुए जाएंगे, दो स्टिच उतारे, तीन बार में हमारे ये स्टिच उतरेंगे, फिर दो चैन लेंगे और इधर से देखिए सिंगल क्रोशिया है, इधर से फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, सेकंड के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से दो चैन,
इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।